हाय, सो ये एक वीडियो नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ऑन फिजिक्स क्लास 12th, ऑल फॉर्मूलास, ऑल चैप्टर्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो भी कोई बात नहीं, फिजिक्स को कोई भी बदल नहीं सकता। सो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशंस के लिए, नहीं मेरे लिए, मुझे ग्रो होना है। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय, सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑसिलेशंस, इस चैप्टर की सारी फॉर्मूलास। ऑसिलेशन पे मैंने बहुत वीडियोस बना दी है, एक 2018 में पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी, इसके बाद 2020 में एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की, ख़त्म होना बाकी है, उसके बाद ये फिर से एक न्यू प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सारे चैप्टर की फॉर्मूलास, रिविजन, डेरिवेशंस। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में आपको सब कंटेंट डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑसिलेशंस इस चैप्टर में कौन सी फॉर्मूला है। सो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो इस चैप्टर का बेस है वो है एफ इज इक्वल्स टू दी माइनस के एक्स। एफ है यहाँ पर फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे, एक्स है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। एंड आपको पता होगा जैसे ही ये कोई भी चीज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन हो या इनवर्स प्रपोर्शन हो तो एक कांस्टेंट आता है, प्रपोर्शनैलिटी साइन जब हम हटाते हैं सो वो कांस्टेंट है के, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। सो एफ इज इक्वल टू डी माइनस के एक्स, ये है हमारी फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू डी रूट ऑफ के बाय एम। अब यूजुअली लोग कहते हैं ये एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड है, ये कांस्टेंट है ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ के बाय एम, बट मैंने पर्सनली इसका प्रूफ दिया है कि ये आया कहाँ से। तो ये जो 2020 में ऑसिलेशंस कराया था उसमें इसका प्रूफ है। प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, जिनको कीन इंटरेस्ट है कि नहीं सर हमको जानना है ये कहाँ से आया, तो मैंने पर्सनली प्रूफ दिया है। सो ये है सेकेंड फार्मूला, ओमेगा है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी, के है फोर्स कांस्टेंट, एम है हमारा मास, यानी कि आपको एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर रिज्यूम करना है एंड उसके तहत ये सारी फॉर्मूलास आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये तो यूजुअल है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू दी एम ए। उसके बाद यहाँ पर आती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी कोई भी न्यूमेरिकल में डिफरेंशियल इक्वेशन यूज नहीं होगी, तो आप अगर चाहें तो उसको याद नहीं करें तो भी चलेगा, बट कहीं ना कहीं आपको यूज हो ही जाएगा बिकॉज ये जो टर्म है यही तो होता है एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाय डी टी। वी क्या होता है, वी होता है डी एक्स बाय डी टी, तो ये वहीं से तो आया डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, राइट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन याद नहीं रखनी तो आप सिंपली याद रख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पर ए क्या है, ए इज इक्वल टू दी दिस टर्म। ओके, सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फाइनली डेरिवेशन है लंबी चौड़ी, उसके बाद हमें यही रिजल्ट मिलता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी इज इक्वल टू दी प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस का मतलब अगर समझो किसी ने मुझे एक फोटो खींच के दिया जिसमें आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो मुझे कैसे समझेगा आप यहाँ जा रहे हो कि यहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो वो डायरेक्शन प्लस और माइनस इंडिकेट करेगा, ठीक है। मैं कह दूं वेलोसिटी है फाइ, किधर फाइ, लेफ्ट में फाइ के राइट में फाइ, सो ये प्लस माइनस मुझे बताएगा कि किस तरफ फाइ। एंड थर्ड है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, जो कि है हमारी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। खास बात ये है ये जो इक्वेशंस हैं ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ओके, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस में अगर वेलोसिटी पूछे तो वापस हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस टर्म का। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो हमें मिलेगी वेलोसिटी, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालें तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। एंड अगर आप ध्यान से देखें ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को वापस मैं एक्स लिख सकता हूँ तो यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यस एक्सेलरेशन इज अगेन डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एस एच एम की कंडीशन होती है एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन दोनों का डायरेक्शन होना चाहिए अपोजिट, जो कि यहाँ पर है माइनस में। ओके, तो ये दोनों इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, उसी समय डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी इजीली निकल आता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, अभी ये सब चीज़ें आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको दिया है कि पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम पोजिशन से, तो अब आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, नहीं लगा सकते हैं आप। पार्टिकल है बीच वाली पोजीशन पे एंड आपसे पूछा है एक्सेलरेशन क्या है, तो अब आप सोचोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी दिस मच एंड इसके बाद आप फर्दर मोर चीजें फाइन करोगे, बट आपको पता होना चाहिए बीच में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम पे है तो यहाँ पर आइए हम थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू दी होता है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव
अगर पार्टिकल मेरा मीन पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है तो, ठीक है, मीन पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है तो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मीन पोजिशन की अगर बात करूं, मीन पोजिशन पे एक्स क्या होगा, मीन पोजिशन पे एक्स होगा जीरो, एक्स होगा जीरो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा जीरो। तो मीन पोजिशन की अगर हम बात करें, मीन पे एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा, होता है जीरो। ठीक है, मीन का मतलब क्या, मीन पोजिशन का मतलब वहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन को भी जीरो होना पड़ेगा। अच्छा, मीन पोजिशन पे क्या है, एक्स जीरो है, तो अगर ये टर्म यहां पर जीरो हो गया तो कोई भी टर्म ए में से माइनस नहीं होगा। अगर कोई भी टर्म ए में से माइनस नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। मतलब मीन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, जो कि यहां से टू और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो वी इज इक्वल टू थ्री मिलेगा हमें ए ओमेगा। ठीक है, वी इज इक्वल टू थ्री क्या मिलेगा हमें, ए ओमेगा। अगर पार्टिकल स्टार्ट ही मीन से हो रहा है तो उसका इनिशियल कुछ फेस होगा ही नहीं। फेस कब यूज होते हैं हम, ये फाइ का टर्म, इसको फेस कांस्टेंट बोलते हैं, इसको एपोक बोलते हैं, इसको इनिशियल फेस बोलते हैं। ये हम कब यूज करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब भी हमें अपनी मन मर्जी की जगह से स्टार्ट करना हो। ठीक है, मुझे कहीं से भी स्टार्ट करना है तब यूज करते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं मैं मीन से स्टार्ट कर रहा हूं तो फाइ क्या हो जाएगा, फाइ हो जाएगा मेरा जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, ए साइन ओमेगा। तो अभी जो लोग पढ़ाई से थोड़ा परे हैं फिजिक्स से, वो बोलेंगे सर इतना इतना याद करना पड़ता है, मीन पे ए जीरो, वेलोसिटी इधर जीरो, इधर वो, इधर वो। बट जो प्योर स्टूडेंट है वो समझेगा कि ये तीनों तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये उस समय डिराइव किया जा सकता है, जस्ट दिमाग में याद रहता है। ओके, सो ये हो गया अबाउट मीन पोजिशंस। एक्सट्रीम पोजिशन पे क्या हालचाल, तो एक्सट्रीम पोजिशन पे एक्स क्या होता है, एक्सट्रीम पोजिशन पे एक्स हो जाता है हमारा ए के बराबर। अच्छा, तो अगर x यहां पर a के बराबर हो गया, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, बिकॉज x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू है a। तो अगर यहां पर a आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a मैक्सिमम। तो यहां पर आ जाएगा a मैक्सिमम इज इक्वल टू दी माइनस ओमेगा स्क्वायर a, जहां पर ये है एम्पलीट्यूड, ये है मैक्सिमम, और ये था यहां पर v मैक्सिमम, क्योंकि सेंटर में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। क्यों होती है, बिकॉज सेंटर में वेलोसिटी मैक्सिमम है, तभी तो एक जगह से पूरा घूम के आके वो वापस दूसरे जगह जा रहा है। ओके, और बात करें एक्सट्रीम पोजिशन पे, तो x a है तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, खत्म, जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो, तो वेलोसिटी जीरो। एंड अगर बात करें वहां पर फेस कांस्टेंट क्या है, सो अगर आप स्टार्ट यहां से कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, तो यहां पर फेस कांस्टेंट होता है फाइ हमारा 90 डिग्री। आगे बताऊंगा फाइ क्या होता है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो यहां आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 है तो ट्रिग्नोमेट्री में उल्टा हो जाता है, तो यानी कि यहां पर आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। That's it. ये एक्चुअली सारांश है मोस्ट ऑफ द ऑसिलेशन का। सो न्यूमेरिकल्स में आपको यही देखना है, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो ये सेट लगेगा, मीन से स्टार्ट है तो ये सेट लगेगा। ओके, सो बढ़ते हैं आगे, टाइम पीरियड की फॉर्मूला। अब यहाँ पर यूजुअली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अब ये चीजें MHT, CET और NEET में आती हैं। आपको कोई सम दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि टाइम पीरियड इसका क्या है, तो फिर स्टूडेंट्स वो ऑप्शन टिक करते हैं जिसमें मास नहीं है, क्योंकि जब हम पेंडुलम की चर्चा करते हैं तो पेंडुलम का जो भी टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मास से। समझ में आ रहा है क्या, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्प्रिंग की बात करते हैं ऑसिलेशंस में, और ऑसिलेशंस में हम स्प्रिंग की बात करते हैं, और स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड है, यानी कि स्प्रिंग मास ऑसिलेटर में जो टाइम पीरियड लगता है वो डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, पेंडुलम में इंडिपेंडेंट ऑफ मास है बट यहाँ पर तो मास पे डिपेंड करता है। सो दिस इज द इक्वेशन, इसका डेरिवेशन इन ऑल सब मैंने डेरिवेशन की वीडियो में कवर किया है। सो टी इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ m बाय k। बढ़ते हैं आगे, अंडर रेटेड फॉर्मूला। स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं ध्यान, वो जस्ट बोलते हैं ओमेगा होता है 2π बाय t। ठीक है, एंड इसी तरीके से याद रखते हैं, या फिर जैसे इसके ये चैप्टर के शुरुआत में पढ़ेगा हमने पढ़ा ओमेगा इज रूट ऑफ k बाय m, उसी तरीके से ओमेगा एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट भी होता है अंडर रूट में। ओके, ये भी एक मेन फॉर्मूला है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में आपको m दे देंगे, k दे देंगे, t
ठीक है, एंड आपसे समझो एक्सेलरेशन पूछेंगे वहां पर और डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, तो आप बोलोगे अरे के एम पता है मैं कैसे फाइंड करूं। सो ये फॉर्मूला है, अंडर रेटेड फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यहां पर स्क्वायर लगा दो या फिर वहां पर रूट लगा दो। ये फॉर्मूला दो बार डेरिवेशंस में यूज होती है अगर आपको याद हो तो, एक एंगुलर के केस में होती है और एक सिंपल पेंडुलम के डेरिवेशन में यूज होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। सो अगर टी 2 पाई बाय ओमेगा है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो अगर टी मेरा यहां पर था 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के तो ये इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, सब इनवर्स में आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, अभी ये सब चीजें महाराष्ट्र बोर्ड में पहले नहीं थी बट JEE में ये पूछी जा सकती हैं, नीट में भी स्कोप कम है, अभी डाला है तो ठीक है समझ लेते हैं। तो अगर सीरीज है तो आपको जो रेजिस्टर्स की पैरेलल फॉर्मूला है वो लगेगी यहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट्स याद ऐसे करते हैं KS इज इक्वल टू K1 K2 प्रोडक्ट और अपॉन में सम्स। समझो आपको तीन स्प्रिंग गिवन है इसी तरीके से, ठीक है, 1, 2, 3, तो फिर क्या करना है तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर K3 प्लस यहाँ पर K3, तो इस वजह से इस तरीके से ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। तो सीरीज के लिए ये जनरल फॉर्मूला है, अगर हम बात करें यहाँ पर पैरेलल के लिए तो पैरेलल के लिए जस्ट एड अप होते जाता है, पैरेलल स्प्रिंग्स कुछ ऐसे दिखती हैं। ओके, यानी कि मास के वो साथ में कनेक्टेड होती हैं। ओके, सो उनके लिए जस्ट आपको एड अप करना है, तो समेशन ऑफ के आई, जहां पर आई स्टार्ट होगा 1 से लेके जहां तक भी आपका नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, याद करने की जरूरत अकॉर्डिंग टू मी नहीं है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं, खास करके ये न्यूमेरिकल कोई नहीं दे सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इतना आपको कैलकुलेट करने में बहुत समय चाहिए, राइट, और इसके लिए आपको कितनी क्वांटिटीज देनी पड़ेंगी, 1, 2, 3, फिर उसका साइन, उनका कॉस, क्योंकि समझो मैंने 5-1 दे दिया आपको 42, अभी क्या करोगे, लॉग बुक यूज करोगे, साइन ऑफ 42, कॉस ऑफ 42, 52 दे दिया 57 समझो, तो इतनी वैल्यूज इतना लेंदी नहीं देते हैं, तो जिन लोगों को याद नहीं करना है नहीं करें चलेगा। एंड रिजल्टेंट ये जस्ट इसी के इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉन्स्टेंट्स का फर्क है, नथिंग एल्स। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, आर देखो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जैसा ही आया है, फिजिक्स कितनी प्यारी है, कुछ भी करो हमें जो आंसर मिलता है वो कहीं ना कहीं तो फिजिक्स में और भी जगह देखा होगा, राइट। 2P1P2 कॉस ऑफ टीटा, टीटा क्या है यहाँ पर, दोनों के फेसेस का डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स के, तो ये याद कर सकते हो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी जनरल इक्वेशन ही है, और ये मैं कह रहा हूं कि इतना पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। बात करते हैं एनर्जी इन SHM, सो एनर्जी इन SHM सिंपल है, एनर्जी होती है 1/2 k a² - x² काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 kx² ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी दोनों का एडिशन, तो यहां से देखो 1/2 ka² अगर मैं लिखूं उसके बाद क्या आएगा यहां पर, -1/2 kx² प्लस 1/2 kx², तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 ka² ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है 1/2 kx² एंड काइनेटिक एनर्जी है 1/2 ka² - x² इस बार कुछ दूसरी फॉर्मूलाज भी डाली हैं जिसमें कॉस स्क्वायर टीटा साइन स्क्वायर टीटा से कन्वर्जन किया है, बट वो हाल फिलहाल में नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, आगे शायद मैंने कवर किया है, अदरवाइज वो डेरिवेशन के वीडियो में अच्छे से है, बिकॉज जो भी आप सारांश और फिजिक्स निकाल सकते हो वो इन्हीं इक्वेशंस के मदद से निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या है, 1/2 ka² पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² काइनेटिक एनर्जी 1/2 ka² - x² इसी के बेसिस पे आप वो कर्व बना सकते हो जिसमें आपको समझ में आएगा डायरेक्टली कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे x होता है a, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, तो देखो ये जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो ये कर्व है पोटेंशियल एनर्जी का, एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या होता है a, तो a स्क्वायर यहां हो जाएगा, ये भी a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, तो जो चीज एक्सट्रीम पे 0 है वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो ये ब्यूटीफुल फॉर्मूलास हैं। और टोटल एनर्जी तो हमेशा सेम ही रहेगी, टोटल आंसर हमेशा 1/2 ka² ही आएगा कहीं पर भी लो, फॉर एग्जांपल यहां पर काइनेटिक 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी है 1/2 kx², तो 1/2 kx, x क्या है एक्सट्रीम पे, a है, तो यहां पर भी देखो वही है 1/2 ka²
ओके सो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। पेंडुलम्स की बात करें, तीन टाइप के पेंडुलम है, कोनिकल, सिंपल, सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम में सिर्फ लेंथ मैटर करती है। कोनिकल में नीचे एंगल टीटा बनता है क्योंकि नीचे वाला ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सो यहाँ आ जाएगा एल कॉस टीटा बाय जी। सिंपल पेंडुलम में ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपल आएगा 2π√L/g। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, अगर पेंडुलम की लेंथ जो उसको टाइम पीरियड लग रहा है वो 2 सेकंड है तो यहां पर आ जाएगा 2, तो बस उसी को कहते हैं हम सेकेंड पेंडुलम। 2 2 कैंसिल, यहां पर आप कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करोगे आपको यही मिल जाएगा। ओके बढ़ते हैं आगे। अब ये टॉपिक्स अगेन न्यूली एडेड हैं और स्टूडेंट्स डर जाते हैं, इस वजह से देखो मैंने यहाँ पर पूरा कंपैरिजन लिखा है, बुक्स में नहीं है लिखा ये, बट यहाँ मैंने लिखा है। सो एंगुलर SHM क्या होता है, आप कोई भी एक डिस्क लो, उसको बांधो और उसको ऐसे रोटेट कर दो। एक्चुअली FYBSE में ये प्रैक्टिकल है, इसका नाम है टॉर्शनल ऑसिलेशन या टॉर्शनल पेंडुलम। एक मेटल की डिस्क रहती है, डिस्क मोटी रहती है काफ़ी, और उस पर मेटल की वायर ही रहती है, मेटल की वायर, ठीक है। जैसे ब्रेसेस में कैसे वायर यूज होती है मेटल की, तो सेम वायर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेटल लेते हैं तो उसको आप जैसे ही टिल्ट करोगे ना तो वो वापस एंगुलर SHM परफॉर्म करती रहती है, क्योंकि मेटल है वो इतना जल्दी खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो आप उस तरफ चेंज करो तो वो बोलेगा नहीं मैं वापस अपना फोर्स लगाऊंगा। तो इस तरीके से रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होता है। सो दिस टॉर्क इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे यहाँ पर स्प्रिंग के केस में क्या था, F था, जो कि था रीस्टोरिंग फोर्स अंदर के तरफ, मीन पोजीशन के तरफ। सो रीस्टोरिंग टॉर्क किससे प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट से। मैं डिस्क को थोड़ा टिल्ट करूं, फोर्स थोड़ा आएगा। डिस्क को ज्यादा टिल्ट करूं, फोर्स ज्यादा आएगा। जैसे यहां पर था स्प्रिंग बाहर खींचो तो फोर्स बहुत अंदर जाएगा, स्प्रिंग थोड़ा बाहर खींचो तो फोर्स थोड़ा अंदर जाएगा। सो यहां पर भी जैसे कॉन्स्टेंट आया, यहां पर भी कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। जैसे यहां पर हमने क्या था, वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है F is equals to the ma, तो उसी तरीके से हमें पता है tau is equals to the I alpha। सो दोनों को साथ में लिख दूं तो क्या मिलेगा, जैसे यहां पर ma is equals to the minus kx, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर। जैसे if a is equals to the b, b is equals to the c, तो a और c को बराबर होना चाहिए, तो ये a है ये c है, तो इन दोनों को नीचे लिख दिया हमने। उसी तरीके से यहां पर भी a लिखा। सो सिमिलर वे में जैसे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन आई, यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी क्योंकि अल्फा को मैं इन टर्म्स में लिख सकता हूँ और सी टीटा यहाँ पर लेकर आया तो प्लस में हो जाएगा। ओके सो नथिंग, इसमें कुछ डरने लायक नहीं है कुछ भी। ओके सो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैंने पॉइंटर गलत ले लिया, फाइन। सो अल्फा यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मिलता है, माइनस सी टीटा बाय आई, एंड जो कि मैं देख सकता हूँ कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टीटा, जैसे कि हमको वहां पर था एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यही आया था ना, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यही यहां पर भी हमने देखा। सो ये चीज क्या प्रूफ करती है कि ये मोशन भी एक SHM है। SHM की मैंने 2 conditions बताई थी, पहला डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा माइनस साइन। ओके और ये तो कुछ खास नहीं है, ये तो जस्ट पीछे ही हमने रीअरेंज करके लिखा है वापस इसी इक्वेशन से, ठीक है। मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क की फॉर्मूला रहती है म्यू बी साइन टीटा, ठीक है। और अगर टीटा छोटा है तो, अगर लेस देन 10 डिग्रीज है तो आप लॉग बुक लेकर के देखो, सारे टीटा सेम रहते हैं, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, तो इस वजह से यहां पर हम लिख देंगे टीटा। फिर अगेन लिखेंगे वी नो दैट, हमें तो एक और फॉर्मूला पता है आई अल्फा, तो फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। माइनस क्यू, माइनस फॉर द सेम रीजन, मैग्नेट यहां वहां रोटेट करता रहेगा ऐसे वैसे ऐसे वैसे। सो वापस रीअरेंज करो इन सबको। यहाँ पर म्यू क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कांस्टेंट, बी क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कांस्टेंट, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट एक साथ। ओके यानी कि अगर मैंने एक सेटअप लगा दिया और उसमें एक मैग्नेट रख दिया तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएंगी। अब क्या डिपेंड करता है, टीटा, कि मैं मैग्नेट को कितने एंगल से टिल्ट कर रहा हूं। अगेन हम वही देखते हैं, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टीटा, मतलब ये भी एक SHM है। ओके एंड फाइनली यहाँ पर टी इज इक्वल टू होता है 2π/ω, बट मैंने आपको एक अंडर रेटेड फॉर्मूला बताई थी जो कहती है इट इज इक्वल टू दी a/x एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वही चीजें वापस पुट करो तो आपको ये मिलेगा i/μb, वही चीजें वापस, मतलब यही सब चीजें जो नीचे लिखी थी यहाँ पर। ओके सो ये एक फॉर्मूला बन जाती है टाइम पीरियड जो हमारा मैग्नेट हमारी डिस्क के साथ रोटेट, मैग्नेट हमारा फील्ड में रोटेट हो रहा है। So, इसी तरीके से ऑसिलेशंस की सारी फॉर्मूला यहां पर
खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही दो वीडियोस और हैं, सारी डेरिवेशंस एक ही वीडियो में ऑसिलेशंस की, एंड सारी की सारी सारे चैप्टर का रिवीजन। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।